सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज़ पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। पलामू में शिक्षक दिवस को लेकर छात्रों में काफी उत्साह का माहौल रहा, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल या निजी कोचिंग संस्थान। सभी जगह पर, कहीं छोटे स्तर पर तो कहीं बड़े स्तर पर, शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था। बाईपास रोड स्थित आवासीय बाल शिक्षा निकेतन में भी शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस मनाया गया, जहां शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं विद्यालय के निदेशक विजय गुप्ता ने बताया कि यह विद्यालय शिक्षकों का ऋणी है। शिक्षकों की मेहनत की वजह से ही आज कई सारे विद्यार्थी बड़े ऊंचे मुकाम हासिल कर चुके हैं। वहीं कई सारे विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षक दिवस के अवसर पर संकल्प लिया गया कि सभी बच्चों में संस्कार युक्त शिक्षा का प्रवाह किया जाएगा। सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। जैसा कि मैं पूर्व में भी कहा था, हमेशा कहता आया हूं और कहता रहूंगा कि आप चाहे जिस क्षेत्र में काम करते हो, चाहे आप जिस विभाग में काम करते हो, बड़े पदाधिकारी हो या छोटे पदाधिकारी हो, बड़े व्यवसायी हो या छोटे व्यवसायी हो, अमीर हो गरीब हो, चाहे आप जो भी हो, जिस क्षेत्र में काम करते हो, पूरी ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक अपने अपने कामों का संपादन करें, तभी हम एक अच्छे समाज की, एक अच्छे विकसित राष्ट्र की कल्पना कर पाएंगे। गुड मॉर्निंग।